सेल्फ स्टडी की इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं अलंकार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। और अलंकार की बात करें तो आज तो पक्का ही अलंकार आपको याद होने वाले हैं साहब, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो आपके द्वारा हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो उपलब्ध करवा रहा है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों। और साथ ही आप हमारे जो बेल आइकन का जो नीचे वीडियो के नीचे बेल आइकन दिया होगा उस पर जरूर क्लिक करें दोस्तों। इससे क्या होगी कि हमारे वीडियो अपलोड होने की घंटी आपके मोबाइल में बजेगी, आप सबसे पहले उस जो वीडियो होगा उसकी उसका लाभ ले सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार, ऐसी ट्रिक जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी वो भी एक स्पेशल होगी साहब। देखते हैं, तो आपने हमारे इस सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना? हाँ, कर लिया साहब। तो चलिए देखते हैं, अलंकार पढ़ रहे हैं आज हम अलंकार के बारे में। अलंकार की जो परिभाषा दी है वो दी है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं तत्व उन्हें अलंकार कहा जाता है, इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है दोस्तों। तो अलंकार के हम भेद देखेंगे, अलंकार के क्या भेद हैं। काव्य की शोभा, जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। और अलंकार के चार भेद बताए हैं। सबसे पहले जो भेद बताया है वो है शब्दों की वजह से सुंदरता बढ़ जाए, वो है शब्दालंकार। वो कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार। शब्दों के वजह से जो काव्य की सुंदरता बढ़ जाए वो शब्दालंकार है। और अर्थालंकार, जहां अर्थ की वजह से सुंदरता बढ़ जाए वो अर्थालंकार है। नेक्स्ट है उभयालंकार, जहां शब्दों और अर्थ दोनों की वजह से सुंदरता बढ़ जाए वो उभयालंकार है दोस्तों। नेक्स्ट है पश्चात अलंकार। अभी आपने तीन अलंकार पढ़े होंगे लेकिन पाश्चात अलंकार भी है। पाश्चात संस्कृति से जो आए हुए अलंकार हैं वो पाश्चात अलंकार से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से अलंकार के जो भेद माने जाते हैं वो चार प्रकार के भेद हैं। इसमें शब्दालंकार के भी कुछ भेद हैं, अर्थालंकार के भी हैं, उभयालंकार, इनके सभी के भेद हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार। चलिए देखते हैं, बहुत ही ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, आनंद आएगा आपको भी और हमें भी। तो चलिए देखते हैं कि जो शब्दालंकार की अगर हम बात करें तो शब्दालंकार को जो है चार भागों में बांटा गया है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार। ये चार भाग शब्दालंकार के हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनु धन प्रास, अनुप्रास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, जहां एक वर्ण या अक्षर बार बार आए, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में। यहां पर जो शब्द दिए गए हैं चारु चंद्र, यहां पर जो चा शब्द है वो बार बार चा वर्ण है, वो बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद हैं दोस्तों, उसको देखते हैं। उसको कैसे देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। अनुप्रास अलंकार के जो भेद दिए हैं वो दिए हैं पांच। छह का अनुप्रास वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इस प्रकार से अनुप्रास के जो पांच भेद हैं वो इस प्रकार से हैं। तो इन जो भेदों को हैं, अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है ये पांच भेदों में बटा हुआ है। इन भेदों को हम बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आज पढ़ रहे हैं कि कैसे अनुप्रास अलंकार को पहचाना जाए। तो शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार से संबंधित है, शब्दालंकार से संबंधित है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार की अब हम बात करते हैं कि आप जो हमें कैसे याद करना है इसको, ऐसे याद करना है। एक आपने गाना सुना होगा दिव्या भारती का, आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते। इस जो गीत है इसको आपको याद करना है, आपको आता ही होगा। इसी जो गीत है, इतनी लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन में आपको जो अनुप्रास अलंकार के पांच जो भेद हैं इनको याद करवाऊंगा और वो आसानी से याद हो जाएंगे, हमें विश्वास है। सबसे पहले हम देखते हैं छह का अनुप्रास, जब एक वर्ण या अक्षर क्रम से दो बार आए। क्या बोल रहे हैं कि छह का अनुप्रास की परिभाषा है कि जब एक वर्ण या अक्षर क्रम से दो बार आए वहां कौन सा अलंकार होता है? छह का अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है। हमने आपको बताया कि आप जो मेरे मीत ना होते, यहां पर इतना लेंगे, आप जो मेरे मीत ना होते। यहां पर मेरे और मीत जो लिखा है, इसमें जो मां
है वो दो बार आ रहा है, माँ माँ क्रम से आ रहा है दो बार, आप जो मेरे मीत ना होते। तो यहां पर दो बार आ रहा है। और नेक्स्ट जो उदाहरण है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस प्रकार से ये इस दोहे में भी का जो वर्ण है वो दो बार आ रहा है, वो भी क्रम से आ रहा है। तो इस प्रकार से दो बार जो अक्षर आए क्रम से आए वहां छे का अनुप्रास होता है। तो देखें कि यहां पर करुण कलित में छे का अनुप्रास अलंकार है। तो हमने देखा कि आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते, इससे जो हमने लिया कि बोले कि आप जो मेरे मीत ना होते, मेरे और मीत में दो बार आया क्रम से आया, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? छे का अनुप्रास अलंकार होगा। इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रत्यानुप्रास। प्रत्यानुप्रास की जब भी बात की जाएगी तो वहां क्या होगा कि जब एक वर्ण या अक्षर दो से अधिक बार हो, जब एक वर्ण या अक्षर दो से अधिक, अभी दो बार आ रहा था छे का अनुप्रास में, अब प्रत्यानुप्रास की जब बात की जा रही है तो एक वर्ण या अक्षर दो से अधिक बार आएंगे। जैसे देखते हैं अब यहां पर फिर हम लेंगे कि आप जो मेरे मीत ना होते, यहां पर मीत ना की जगह मैं कर देंगे हम, मीत में होते ओंटों पे मेरे गीत ना होते, है ना, यहां पर मैं कर देंगे। तो यहां बोल रहे हैं कि जब एक वर्ण अक्षर दो से अधिक बार हो तब कौन सा अलंकार होता है? प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। बोले चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस प्रकार से ये जो है उदाहरण इन्होंने दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मेरे मीत में, तो यहां पर दो से अधिक बार जो माँ शब्द है वो कितने दो से अधिक बार? तीन बार आया यहां पर मेरे मीत में, मतलब माँ माँ तीन बार आया है, मतलब यहां कौन सा अलंकार होगा? प्रत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। और दो से अधिक बार आया है यहां पर, चारु चंद्र की चंचल जो किरणें हैं वो भी दो से अधिक बार आई हैं, तो यहां पर प्रत्यानुप्रास हो जाएगा, ऐसे याद कर लेंगे। और हम इसको आपको जो पांच ही पांच जो भेद हैं इसके अनुप्रास के, वो आप जो मेरे मीत ना होते, इसमें पांच ही का अभी हम आपको पूरे एक मिनट में बता देंगे और आपको याद हो जाएगा। अभी हम विस्तृत रूप से इसको देखें, फिर आप देखते हैं। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास। तो जब किसी एक वर्ग के अक्षर बार बार आए तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ग, वर्ग आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, वर्णमाला में वर्ग होते हैं, बोले का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस प्रकार से ये वर्ग होते हैं। तो यहां पर वर्ग के अक्षर बार बार आए तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, जब किसी एक वर्ग के, है ना। तो यहां पर देखा कि आप जो मेरे मीत ना होते, यहां पर हम होंठों की जगह ले लेंगे दांतों पे मेरे गीत ना होते, इस प्रकार से इसको ले लेंगे। तो तुलसीदास, नेक्स्ट जो उदाहरण है, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार नठराई। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो तावर्ण है, तावर्ण ता दिख रहा, ता धा ता था दा धा ना, तो ये तावर्ण कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि तावर्ण के बहुत सारे वर्ण आ रहे हैं। यहां पर आ गया माँ, माँ के बाद फिर माँ, ता आ गया, फिर ना आ गया, फिर ता ता दा और मे आ गया, फिर ता आ गया, ता ता, मतलब नावर्ण, तावर्ण के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है यहां पर। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ी कि जब किसी एक वर्ग के अक्षर बार बार आए तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। एक वर्ग के, आपको वर्ग बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, वर्ग के, तो यहां ता वर्ग के जो अक्षर हैं इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है। वैसे ही तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई, तो तुलसीदास में भी जो है ता वर्ण के बहुत सारे, ता सा दा और जो है ना, इस प्रकार से जो शब्द हैं इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहां पर कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहां वर्ग के, तावर्ग के वर्णों की जो क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि जब किसी एक वर्ग के अक्षर बार बार आए तो वहां कौन सा अनुप्रास होगा? बोले श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। क्योंकि हम आपसे अगर बार बार कोई भी चीज बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मुझे सुनाई नहीं देता क्या? श्रुत्यानुप्रास सुनाई नहीं देता? बोले बार बार बोल रहे हो, सुनाई नहीं देता क्या? तो इस प्रकार से देख लेंगे कि जब बार बार बोला जाए, एक ही शब्द बार बार आवृत्ति हो रही है, तो बोले श्रुत्यानुप्रास है, बोले सुनाई नहीं देता क्या, इस प्रकार से बोलेंगे। तो नेक्स्ट है अनत्यानुप्रास अलंकार। जब पंक्ति के अंत में अक्षर अक्षरों की या स्वरों की समानता हो तो क्या हो जाएगा? अनत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे कि आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते। और नेक्स्ट दिया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यहां पर क्या कहा गया है? एक नंबर की अगर हम देखें तो वो दिया है कि ना होते और ना होते। यहां पर जो है इसके जो अक्षरों के वर्ण वाक्य के अक्षर
वाक्य के अंत में ना होते, ना होते मतलब स्वरों की समानता आ रही कि आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते, यहां पर स्वरों की समानता हो रही है। वहीं देखते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यू ज्ञान, यहां पर सागर आगर उजागर आगर 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 सब जो स्वर हैं उनकी समानता हो रही है। तो हमारी जो परिभाषा दी है कि जब पंक्ति के अंत में अक्षर अक्षरों की या स्वरों की समानता हो वहां कौन सा अलंकार होगा, अनत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो आगर आगर स्वरों की यहां पर समानता हो रही है, अक्षरों और स्वरों की समानता देखने को यहां पर हमें मिलती है। ना होते ना होते, उजागर आगर आगर, यहां पर सागर अगर बोलोगे तो आगर उच्चारण होगा, उजागर आगर हो रहा ना, तो आगर आगर यहां पर उच्चारण में समानता आ रही है। इस प्रकार से अनत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट होगा लाटानुप्रास अलंकार, जहां एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ एक ही रहे पर वाक्य का अर्थ बदल जाए। क्या बोल रहे हैं कि जहां एक शब्द जो है वो कई बार आ रहा है और उसके जो अर्थ हैं वो एक ही हैं और वाक्य का अर्थ बदल रहा है। यहां पर फिर देखते हैं, आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते। तो और नेक्स्ट दिया है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यहां पर जो आप देखेंगे कि मेरे 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 शब्द दोनों में आ रहा है, मेरे और मेरे, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे का अर्थ भी वही है और मेरे का अर्थ भी वही है, लेकिन जो वाक्य है कि आप जो मेरे मीत ना होते और होंठों पर मेरे गीत ना होते, वाक्य का जो अर्थ है वो बदल रहा है, होंठों पर गीत और यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मेरे मीत, है ना। तो यहां पर जो वाक्य है उसका अर्थ बदल रहा है, लेकिन ये जो बार बार वाक्य आ रहा वर्ण आ रहा है इसका जो अर्थ है वो समान है, एक ही है। तो इस प्रकार से जहां एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ एक ही रहे पर वाक्य का अर्थ क्या हो रहा है, बदल रहा है। वहीं देखें कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, यहां पर जो है बताया गया है कि पूत का अर्थ समान आ रहा है, वाक्य का अर्थ है कि बोले पूत सपूत है तो क्यों धन संचय किया जाए और पूत कपूत है तो का धन संचय, लेकिन पूत पूत दो जगह आ रहा है और पूत पूत में दोनों वाक्य में क्या हो रहा है, अलग अलग अर्थ हो रहा है, पूत कपूत तो का धन संचय, अलग अलग यहां पर अर्थ लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक शब्द की कई बार आवृत्ति हो रही है, एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ एक ही रहे पर वाक्य का अर्थ यहां पर क्या हो रहा है, बदल रहा है। इनके पूत का और पूत का अर्थ एक ही है लेकिन वाक्य का क्या हो रहा है, अर्थ बदल रहा है। इस प्रकार से इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है कि आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते। अब देखते हैं कि इस जो हमने गीत एक चयन किया है उसमें कैसे इन पांचों प्रकार जो दिए हैं इनका अर्थ इसमें छुपा हुआ, इनकी परिभाषा इसमें छुपी है। सबसे पहले हम देखें कि छे का अनुप्रास, इसकी परिभाषा है कि अक्षर क्रम से दो बार आएंगे। क्या बोल रहे हैं, अक्षर क्रम से दो बार आएंगे। तो हम देखें कि आप जो मेरे मीत ना होते, तो मेरे और मेरे में मां जो शब्द है क्रम से दो बार आ रहा है, तो यहां पर छे का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखें वृत्त्यानुप्रास, अक्षर क्रम से दो से अधिक बार आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दो से अधिक बार आ रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या कर दिया था कि आप जो मेरे मीत में होते, मीत यहां मां कर दिया जाएगा, तो अक्षर क्या हो जाएंगे, मां 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 तीन बार आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखें श्रुत्यानुप्रास, एक वर्ग के अक्षर बार बार आए, एक ही वर्ग के अक्षर बार बार आ रहे थे, तो यहां पर जो ता ता मा मा और जो ना शब्द है ये बार बार आ रहे थे, एक ही वर्ग के थे, जो कौन से वर्ग के थे, ता वर्ग के थे, और एक ही ता वर्ग के बार बार अक्षर आ रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। बोले बार बार नहीं बोलो, मुझे सुनाई देता है, श्रुत्यानुप्रास। इसलिए ता वर्ग कि अगर वर्ग के जो अक्षर हैं बार बार आए तो वहां श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है अनत्यानुप्रास अलंकार, पंक्ति के अंत अक्षर या स्वरों की समानता। यहां पर हमने देखा कि ना होते और ना होते, तो यहां बोला जा रहा है कि पंक्ति के अंत के जो अक्षर हैं उनकी स्वरों की समानता होती, कि आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते, होते ना होते ना होते, ये स्वरों की समानता हो रही, तो अनत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट लाटानुप्रास अलंकार, एक शब्द कई बार आए, शब्द अर्थ ना बदले, वाक्य का अर्थ बदल जाए, तो यहां पर एक ही शब्द मेरे और मेरे दो बार आ रहा है, लेकिन इसका जो है शब्द का अर्थ नहीं बदल रहा, लेकिन वाक्य का अर्थ जरूर बदल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोस्तों हमने एक गीत का चयन किया जिसमें पांचों भेद जो है समाहित हैं अनुप्रास अलंकार के, इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं शब्दालंकार का एक प्रकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात जब आती है, यमक और श्लेष अलंकार
हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, आज यहाँ ये कन्फ्यूजन बिल्कुल मिटा के ही रहना है। तो हम देखें कि जहाँ एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, एक शब्द की बात बोली जा रही है कि एक शब्द है वो कई बार आ रहा है और उसका जो अर्थ है वो अलग अलग अर्थों में भिन्न भिन्न अर्थों में लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखें आप, दिलवाले का एक डायलॉग अगर हम बना लें कि सपना, दिलवाले की जो हीरोइन थी वो सपना उसका नाम था, बोले सपना सपना समझकर भूल न जाना, एक गाना था सपना समझकर भूल न जाना ओ दिलवाले साथ निभाना, ऐसा कुछ था। तो सपना सपना समझकर भूल न जाना, तो यहाँ सपना सपना कितने बार आया, दो बार आया। वही काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द भी दो बार आया है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि सपना, यहाँ पर हम किसी का नाम ले रहे हैं सपना, और सपना मतलब एक सपना देख रहे हैं कि बोले सपना समझकर बोले, तो इन दो शब्दों की आवृत्ति तो बार बार हो रही है लेकिन इनके अर्थ क्या हैं अलग अलग हैं। एक सपना सपना होता है जिसे हम देखते हैं रात में, देखते बोले सपना देखा आज है ना, और एक सपना किसी का नाम है। वहीं यहाँ पर देखे कि काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर एक काली घटा मतलब एक काली घटा काले बादलों को कहा जाता है, बोले काली घटा छाई है, और घमंड घटा, घटा मतलब होता है कि किसी का घमंड घट गया, अंतर हो गया, बोले घटाना जोड़ना घटाना बोई वाला घटा है घमंड घटा। तो यहाँ पर एक शब्द के अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमा का अलंकार हो जाएगा, अच्छे से पढ़ना है। तो इसको हमने देख लिया, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और कहां कौन सा अलंकार है। यहां इसकी जो परिभाषा दी है कि एक शब्द एक बार ही आता है, एक जो शब्द है वो एक बार आता है पर उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के क्या बोल रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं, एक शब्द के अधिक अर्थ निकल रहे हैं। देखते हैं कि आप कुछ भी कहें मैं तो इसे हरि की कृपा मानता हूं, इस प्रकार से बोला कि आप कुछ भी कहें मैं तो इसे हरि की कृपा मानता हूं। तो देखना कि यहां हरि जो शब्द है वो क्या हो रहा है, हरि मतलब होता है भगवान, भगवान से भी लिया जाता है, और हरि मतलब किसी का नाम भी हो सकता है हरि। तो यहां पर एक शब्द हरि है और उसके कितने अर्थ निकल रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं, अधिक अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो हरि के अधिक अर्थ निकल रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। और जैसे कि परिभाषा दी है कि एक शब्द एक बार ही आता है पर उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो हरि शब्द के भी अनेक अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, तो इस प्रकार से देख लेंगे। अब आप बोलोगे सर एक उदाहरण बार बार पूछा होता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, बोले इसमें तो पानी बार बार आता है, अब ये कहां से श्लेष अलंकार हो जाएगा। बोले आप तो बोल रहे थे कि एक शब्द एक ही बार आता है पर उस एक शब्द के अनेक अर्थ, तो यहां पर हमें पानी शब्द का कोई भी यहां पर ना तो परिवर्तन हो रहा है, पानी का अर्थ का जो है वो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर जो मोती मानुष और चून शब्द दिए हैं जे एक शब्द है, एक ही एक एक शब्द अलग अलग है, मतलब ये अलग शब्द है मोती मानुष अलग है चून अलग, लेकिन इसका अगर अर्थ लगाया जाता है तो इसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं। जैसे यहां पर बात करें कि मोती, मोती का मतलब है चमक, मोती का अर्थ क्या होता है चमक, वही मानुष, मानुष की मतलब प्रतिष्ठा, चून मतलब होता है जल, मतलब अगर हम बोलें कि मोती में अगर चमक नहीं है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, मोती में अगर चमक ना हो तो मोती का कोई मतलब नहीं, और मानुष मतलब मनुष्य की अगर प्रतिष्ठा ना हो तो कोई मतलब नहीं उसका, और बात करें चूना की तो चूना में अगर पानी ना हो जल ना हो तो उसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहां पर मोती मानुष चून के अनेक अर्थ निकाले जा रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो वहीं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, अब इस चीज को हमें कभी नहीं बोलना है। श्लेष अलंकार में क्या बोल रहे हैं कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि एक शब्द की एक बार ही आता है और उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वहीं हमने आप यहां पर उदाहरण देखा, तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। नेक्स्ट देखें शब्दालंकार की, जो वक्रोक्ति अलंकार की बात करें, वक्रोक्ति अलंकार होता है एक शब्दालंकार का, तो शब्दालंकार जो है यहां पर वक्रोक्ति अलंकार की बात करें तो जब सुनने वाला बोलने वाले की बात का गलत मतलब निकाल ले, क्या बोल रहे हैं कि सुनने वाला जो है वो बोलने वाले की बात का गलत मतलब निकाल ले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद होते हैं, सबसे पहला होता है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा होता है काकू वक्रोक्ति। तो श्लेष वक्रोक्ति की बात करें तो श्लेष वक्रोक्ति मतलब जहां एक
एक से अधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो। क्या बोल रहे हैं कि जहां पर शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस वजह से गलत मतलब निकल जाए। एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि गलत अर्थ निकल जा रहा है। जैसे उदाहरण देखें कि कहां है मेरा लाल, कोई बोल रहा है कहां है मेरा लाल, तो सुनने वाला जो है वो लाल मतलब उसका पुत्र समझ रहा है और कोई उसका रत्न समझ रहा है। मतलब अगर कोई माँ बोल रही है कि कहां है मेरा लाल, तो उसका जो पति है वो समझेगा कि पुत्र की बात हो रही है, लेकिन वो बात किसकी कर रही, रत्न की। जो रत्न है उसका लाल रत्न होता है, रत्न जड़ अंगूठी होती है, तो वो उसकी बात कर रही है। तो यहां पर जो है क्या हो रहा है कि एक ही शब्द के क्या हो रहे हैं, अधिक अर्थ निकल रहे हैं, उससे वजह से गलत अर्थ लगाया जा रहा है। बात कही जा रही है रत्न की और अर्थ लगाया जा रहा है पुत्र का, इस प्रकार से। तो वहां क्या होगा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बोला जाए कि माँ मंदिर में है, यहां पर अर्थ लग जाए कि माँ मतलब मम्मी, कोई लगा रहा है मम्मी अर्थ और कोई लगा रहा है माँ दुर्गा की बात हो रही है। तो इस प्रकार से देख लेंगे कि बोला कि मम्मी माँ मंदिर में है, इस प्रकार से तो माँ कोई, जैसे हम लगाएंगे मम्मी होगी इसकी मंदिर में, और कोई लगाएगा माँ की बात हो रही दुर्गा माँ की, दुर्गा माँ तो मंदिर में ही रहती। तो इस प्रकार से क्या है, गलत अधिक अर्थ की वजह से गलत मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर निकल जाता है। वास्तविक बात का जो है गलत मतलब यहाँ पर निकल जाता है, वहां पर वक्रोक्ति श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट देखें काकू वक्रोक्ति, जहां शब्दों के गलत उच्चारण से गलत मतलब निकल जाए। काकू, जैसे बात आती है रोको मत जाने दो, यहां पर इस शब्द को अगर किसी भी, अगर हम अल्पविराम का प्रयोग छोड़ दें या उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा हम रुक के बोलें या तेज बोल दें या धीमा बोलें, इस प्रकार से अगर हम कुछ हमारे उच्चारण में कुछ गलतियां होती हैं तो सामने वाले जो अर्थ ग्रहण करते हैं उसका अर्थ ही बदल जाता है, मतलब गलत अर्थ ले लेते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, हम बोल देंगे आपसे रोको मत जाने दो, तो यहां पर बात हो रही है कि रोकना है, जो जा रहा है उसको जाने मत दो, उसे जाने नहीं देना, और मैं बोल देता हूं कि रोको मत जाने दो, तो आप समझेंगे कि बोल रहे हैं कि इनको रोको नहीं इनको जाने दो। मतलब अगर कोई भी वाक्य है उसके उच्चारण से, उच्चारण की गति से, उच्च अल्पविराम से, व्याकरण की दृष्टि से अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं उच्चारण में तो गलत मतलब निकल जाता है, वहां पर क्या होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, ये आपको दोस्तों समझ में आ गए होंगे। और हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं। जीके की हमने बहुत शानदार ट्रिक बताई दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देखें। जीके को आप एक बार पढ़ेंगे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है। और जो हमने हिंदी का वीडियो बना के डाला है बहुत ही सुपर, जिसमें रचनाएं बताई गई, विशिष्ट सिद्धांत बताए गए, उनको आप कभी जिंदगी, एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो कभी जिंदगी भर, एक गारंटी है दोस्तों, कभी नहीं भूल पाओगे। आप पेपर में बैठोगे तब भी आपको याद आएगा। तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर अपना कमेंट में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अलंकार का जल्दी अपलोड होगा दोस्तों, इसके जितने भी पार्ट होंगे बहुत ही विस्तृत रूप से और बहुत ही रोचक तरीके से समझने हैं अपन लोगों को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। अगर आप इसके नोट्स प्राप्त करने चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पर जो है नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को यूट्यूब पर। और हम आपको बता दें कि नोट्स प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, लोग बोलते हैं पीडीएफ वाले चाहिए, लेकिन अगर आप पीडीएफ देखते हैं वो ट्रिक आपको नहीं मिल पाएगी पीडीएफ में जो यूट्यूब देखते हैं। तो हमारा मतलब है कि आप पीडीएफ भी देखें प्लस यूट्यूब चैनल पर भी देखें, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, हम किस ट्रिक से आपको बता रहे हैं वो आप पीडीएफ में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे विचार भी, हमारे बोलने की शैली, हमारे वो सारी चीज़ें भी इसमें समाहित हो जाती हैं वीडियो में। और पीडीएफ में सिर्फ जितना लिखा है आप उतना समझ पाएंगे, वो भी अपने अनुसार ही समझ पाएंगे, लेकिन आप जब वीडियो देखते हैं तो हम जो समझाते हैं वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जल्द ही वीडियो अपलोड हो इसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, आप तक घंटी पहुंचे और इन्फॉर्मेशन इसकी पहुंचे। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।